उत्तराखंड में अप्रैल के महीने में हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। जहां लोगों को हर दिन हो रही तेज बारिश से नुकसान हो रहा है, तो वहीं देर रात हुई बारिश से भागीरथी नाला लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। भागीरथी नाले में उफान आने से आसपास के घरों को खतरा बना हुआ है। नाले के किनारे सुरक्षा दीवार नहीं होने से लोगों को खतरा और बढ़ गया है, जिस वजह से पानी बाहर की तरह आने लगा है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि नाले के किनारे से घरों को जाने का रास्ता निकलता है और भारी बरसात आने की वजह से पानी बाहर की तरफ बहने लगता है, जिस वजह से आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कि अभी ये अप्रैल के महीने में इतनी बड़ी आपदा आई है, एक तो कोरोना की आपदा है, दूसरी ये बरसात की आपदा है, लोगों की फसल खराब हो गई है, और ये गधेरा, ये भागीरथी का नाला है, भागीरथी का गधेरा है, ये जो कांडा रूट पे है, इस पे बहुत ज्यादा ये आवाजाही होती है। यहाँ पर से लोग अपना पानी भरने के लिए और इधर उधर जाने के लिए या कपड़े धोने के लिए लोग आते जाते हैं। लेकिन आज ये अप्रैल के 25 तारीख को हमने ऐसा देखा कि हमने पहले 16 साल हमें भी यहाँ रहते रहते हो चुका है, हमने पहले कभी नहीं देखा। अभी ये हाल है, जब बरसात के महीने तो हम लोगों का यहाँ रहना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें अगर एक सुरक्षा दीवार लग जाए ताकि रास्ते में पानी ना आए। ये गधेरा जो है एक्चुअली में रास्ते में आ जाता है, तो इसको संज्ञान में लेते हुए मेरा सारे प्रशासन से ये हुए है अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी कुछ इसका निवारण करने की कोशिश करें। जल्दी होती उतना जल्दी इसको संज्ञान में लीजिए, नहीं तो हो सकता है कल के दिन में, आने वाले कल के दिन में कोई भी आपदा, यहाँ पे बड़ी आपदा आ सकती। आज अप्रैल के महीने में इतना भयानक इस भागीरथी के गधेरे का स्वरूप हमको देखने को मिला। आज से इस बरसात के समय में तो काफी यहाँ पे रहता ही है क्योंकि बरसाती होती है, इस समय पर ऐसा भयानक रूप हमने आज फर्स्ट बार देखा। और क्योंकि यहाँ सारे लोगों का आवाजाही रहती है, पानी पीने का यहीं से चलता है, स्रोत है, नीचे कपड़े धोने का, अधिकतर मजदूर हमारे सारे यहीं से पानी पीते हैं और कपड़े धोते हैं, नहाते धोते हैं। इसीलिए मेरा आप प्रशासन से यही गुजारिश है, प्लीज इसको एक बार आप देखें और सभी जितने भी यहाँ के लोग हैं, रहने बसौती जितनी भी हमारी यहाँ की है उसको काफी इससे नुकसान है। और उससे ज्यादा हमें ये है कि आम रास्ता है, आम रास्ते में इसमें सुरक्षा दीवार की हमें गुजारिश की थी। पहले भी हमने इसके लिए कितनी बार हमने प्रशासन से कहा था, किसी ने इसको ध्यान में नहीं दिया। प्लीज मैं अभी भी आपसे अनुरोध कर रही हूँ, एक बार आके आप इसको इसका मुहैया लें और इसको देखें, हमें इसमें सुरक्षा दीवार देने का। लगातार हो रही बारिश से लोग डर के साए में गुजरने को मजबूर हैं। सुरक्षा दीवार न होकर एक बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द नाले के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट।